आप सभी को बता दूं कि ममता बनर्जी की सरकार के अंदर एक मंत्री ने विवादित बयान दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेकर के बयान दिया गया है जिसमें उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आखिर कैसी दिखती है, तो इसी के ऊपर अब सवालिया निशान खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। और साथ ही साथ आप सभी को इस मामले के अंदर एक धमकी भी दी गई है। किसको यह धमकी दी गई है सीधा दिखाते हैं हमारे इस रिपोर्ट में। पश्चिम बंगाल के मंत्री और टीएमसी नेता अखिल गिरी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर विवादित टिप्पणी करी है। उन्होंने नंदीग्राम में कहा, हम किसी को उनकी शक्ल से नहीं आंकते, हम भारत के राष्ट्रपति का सम्मान करते हैं, लेकिन हमारी राष्ट्रपति कैसी दिखती है। टीएमसी के नेता ने इस बयान पर बवाल शुरू हो गया है। भाजपा नेता अमित मालवीय ने अखिल गिरी के इस बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया। उन्होंने कहा, ममता बनर्जी हमेशा से आदिवासी विरोधी रही हैं, चुनाव में उन्होंने द्रौपदी मुर्मू का समर्थन नहीं किया और अब यह अधिव्यक्ति का शर्मसार स्तर। हालांकि ममता बनर्जी की तरफ से इस पर अभी तक कोई भी प्रतिक्रियाएं नहीं आई है। शुक्रवार को टीएमसी नेता शहीद दिवस समारोह के मौके पर नंदीग्राम में लोगों के बीच जाकर के उन्हें संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने बंगाल में प्रतिपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी पर तंज कसते हुए कहा, वह कहते हैं कि मैं सुंदर नहीं हूँ, वह कितने सुंदर हैं। इसके बाद उन्होंने राष्ट्रपति को लेकर की यह टिप्पणी की और यह नहीं, उन्होंने शुभेंदु अधिकारी को धमकी भी दी, ममता बनर्जी नहीं चाहती इसलिए चुप हूँ वरना मार मार कर उनका हाथ तोड़ देता। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार।